सुकमा जिले की बारद्वार पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप में 1 क्विंटल 50 किलो 200 ग्राम गांजा परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के थाना समनापुर जिला डिंडोरी का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा जब्त गांजे की कीमत 7,51,000 रुपए गई है, जो कि 4 बोरियों में भरकर परिवहन किया जा रहा था। एसडीओपी दिनेश्वरी नन ने बताया कि बारद्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सकरेली बाठा बंजारी मंदिर के सामने मेन रोड में वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान शक्ति की ओर से सफेद पिकअप आता देख उसे रुकवाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि पिकअप में 4 बोरियों में भरकर गांजा छिपाया गया है। जिस संबंध में पूछताछ करने पर पिकअप चालक कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के थाना समनापुर जिला डिंडोरी का रहने वाला है, जो कि 15 सितंबर को डिंडोरी से गांजा लेते समय संबलपुर गया था और 22 सितंबर को अपने पिकअप वाहन क्रमांक CG-10AJ-7112 में 4 बोरी गांजे के बंडल को धान की भूरी में छिपाकर लोड कर वापस डिंडोरी जा रहा था। एसटीओपी ने बताया कि आरोपी को धारा 20B एनडीपीसी एक्ट के तहत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। बारद्वार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें बारद्वार थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम सरकेली भाटा मेन रोड पर चेकिंग के दौरान एक मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि शक्ति की ओर से एक सफ़ेद रंग की पिकअप वाहन आ रही है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस की टीम ने तत्काल घेराबंदी की और पिकअप वाहन को कब्जे में लिया गया। पिकअप वाहन में जो चालक था उसने अपना नाम कृष्ण कुमार तिवारी बताया और जब उसके पिकअप वाहन को चेक किया गया तो उसमें बोरियों में कुल 1 क्विंटल 50 kg मादक पदार्थ गांजा उसके पास से बरामद किया गया, जिसको उसने बताया कि वो डिंडोरी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और संबलपुर उड़ीसा से इस गांजा को लेकर आ रहा है और वो डिंडोरी की तरफ जा रहा था। ये जो गांजा है उसकी कुल कीमत 7,51,000 रुपए है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत विधिवत गांजा को जब्त किया गया है और आरोप